था, सिर्फ कैमरा की बैटरी, बल्कि हमारी बैटरी भी डाउन हो गई थी। सो वी डिसाइडेड टू टेक अ लिटिल डिटूर सिर्फ 50 किलोमीटर अंदर, एंड एज यू कैन गेस वी केम टू उज्जैन। ऑब्वियसली तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं, नाउ वी हैव टू हेड बैक टू बॉम्बे, आज तो पहुंचना ही है। सो ऑन द वे द यूजुअल खाना और ड्राइविंग, सो लेट्स गो। तो ये है उज्जैन का स्टेटस रेस्टोरेंट एंड आज मी सजेस्ट, थोड़ा सा हाई फाई है, थोड़ा सा सर्विस स्लो है, थोड़ा सा फैंसी है। देखिए यू हैव टू ऑर्डर ऑन दिस। यहाँ का पालक पनीर इज वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज, होपफुली आज भी इसका टेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा। वेटिंग 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 फॉर द फूड टू कम। भैया कितनी मेहनत करते हैं मूछ बनाने में? ये कम से कम 15-20 मिनट लगता है। और कितने सालों की? एक साल की। एक साल की सिर्फ? हाँ। तो एक साल से ही रख रहे हैं आप? हाँ। थैंक यू।
प्राइस इतना बढ़ क्यों रहा है? देखो ना भाई क्या करना है भाई। अरे पर 6 दिन पहले 63 था, अभी 67 हो गया। और क्या, ऊपर से आता है ना दीदी, क्या करने का अपना था? अपने घर से थोड़ी बनाते हैं, अभी 5 बजे चेंज करना पड़ता है। और नहीं करेगा दीदी ये ना, डेली शरीर 5 बजे चेंज करना पड़ता है। सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे? नहीं सवेरे 5 बजे दीदी। तो रोज कितना पड़ रहा है लगभग? पैसे बढ़ते हैं, 50 पैसे, 30 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा ऐसे बढ़ रहे हैं। What's happening with the diesel prices, guys? It's unreal. हमने ट्रिप शुरू की थी तब 63 था, अभी 6 दिन बाद बॉम्बे जाते वक्त 67.33, it's unreal. ऐसे कैसे घूमेंगे हम लोग, कैसे वीडियो शूट करेंगे? This government, this BJP government really needs to be sacked only because of the petrol and diesel prices. It's damn frustrating. वैसे भी अभी हम लोग ब्रेक्स नहीं ले रहे, डीजल ब्रेक इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ कंपल्शन। सो नेक्स्ट स्टॉप दीदी, प्लान तो था सीधे घर जाने का, बट हम टाइम पे पहुंच गए हरिओम ढाबा। अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हैं तो आपको ये जगह पे बिल्कुल पता होगी, इस पर हम बहुत पहले स्टोरी कर चुके हैं, यू कैन गो वॉच दैट राइट नाउ। बिकॉज बहुत टाइम के बाद मौका लगा इस रोड पे सही वक्त पे पहुंचने का, एंड द सेव भाजी, द इररेजिस्टिबल सेव भाजी। टेस्ट अभी भी कंसिस्टेंट है, इनफैक्ट ये आई थिंक नया एडिशन है चारपाई। थोड़ी थोड़ी ठंड है, इट्स गुड फन। बस खाना खा के हम जा रहे हैं, भाग रहे हैं अभी। तो ये है ओनर हरीश सर जी, आपको याद ही होगा क्योंकि आपने दोबारा जाके वो स्टोरी देखी होगी, और इनके साथ साथ इनका सारा स्टाफ इतना अच्छी तरह से ट्रेंड है, सब इतने स्वीट हैं। हरीश जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई हमारी, कैसे हैं आप? और कैसा चल रहा है सब? कुछ नए एडिशन किए अपने मेन्यू में? नथिंग न्यू, ओल्ड इज गोल्ड। हमने भी खैर वही खाया सेव भाजी, तो यहाँ की बहुत फेमस है। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो आइए जरूर, एंड डू नॉट मिस, यू हैव टू ऑर्डर द सेव भाजी। और अगर हरीश जी फ्री है तो उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो खुद पका के खिलाएंगे जो और ज्यादा टेस्टी हो जाएगी। ये यहाँ का स्टाफ, थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा सेवा करते हैं। जय महाराज। निकलेंगे तो समाधान दादा की दुकान पे जरूर आइएगा। ये देखिए स्पेशल पान बनाया इन्होंने मेरे लिए। अब मैं कलकत्ता पान खा के देखूंगी। मुंह में डाल दी एकदम ताजा, कुछ आया दिया था वो मैंने ऊपर के डाला था आपने। हाँ मस्त एकदम, मस्त है, मस्त है। आला पाहिजे आणि काय म्हणजे खाल्लाच पाहिजे, आलाच पाहिजे ते आणि खाल्लाच पाहिजे कलकत्ता पान, कळलं? चला निघू आपण, चला धन्यवाद, भेटूया।
बॉम्बे। चलिए होम उज्जैन जो कि 650 किलोमीटर से है, हमें सिर्फ 11 घंटा लगे। आई थिंक इट्स क्वाइट क्रेडिबल क्योंकि हमने 1.5 घंटा डिनर ब्रेक भी लिया था। सो आई होप यू एंजॉयड द ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू अलाहाबाद, प्रयाग एंड बैक टू मुंबई। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम BBD टेलीविजन।